Assalamualaikum नाजीन प्रोग्राम इकानमी इन फोकस के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान बाकर आबाज़ जाफ़री पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और संग मील अबूल कर दिया गया है अब तक हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा इस्टेबलिश फर्म्स बड़ी फर्म्स जब सरमाकारी के लिए पैसा रेस करने आती थी तो वो स्टॉक एक्चेंज में लिस्ट होती थी लेकिन अब जैम बोर्ड या ग्रोथ इंटरप्राइज मार्केट का आगाज बाकायदा कर दिया गया है इसके अंदर वो कंपनीज जो छोटे पैमाने पर काम करती हैं उनकी पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम है वो भी कैपिटल रेजिंग के लिए एक्विटी मार्केट्स की तरफ रुख कर सकती हैं सो ऐसा पहले जो डेट मार्केट में प्रॉब्लम्स थी कि उनको कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीट करना पड़ती थी रिस्क मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स मीट करना पड़ती थी एंड कोई दूसरी सोर्स नहीं थी कि जहां से कैपिटल रेज कर सकें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और तमाम तरह रेगुलेटर्स ने मिलकर एक मुजवजा कानून फ्रेमवर्क बनाया जिसमें बड़े ब्रोकर्स भी शामिल थे कि वो कंपनीज जो छोटे पैमाने पे, पे कारोबार करती हैं और वो ग्रो करना चाहती हैं उनको कैपिटल रेजिंग के लिए स्टॉक मार्केट की तरफ किस तरह लाया जाए जिसका नतीजा हमने जैम बोर्ड की सूरत में देखा आज जैम बोर्ड पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करेंगे ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में एक बार फिर गिरना शुरू हो गई हैं ड्यू टू न्यू वेरिएंट ऑफ द कोरोना उसका क्या इंपैक्ट हम ले सकते हैं क्या कैपेसिटी है हमारी यहाँ से क्या इकदाम करने चाहिए ताकि जो इन्फ्लेशन का जो तूफान आया था रिसेंटली उसको किस तरीके से कम किया जाए ओवरऑल फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी पर, पर हमारे साथ मौजूद है अपने से तारुफ करना फरीद आलम साहब जो के एक डी सिक्योरिटीज के सी ईओ है इकोनॉमिक एक्सपर्ट है बहुत अरसे पाकिस्तान की इकोनमी कैपिटल मार्केट्स पर गहरी नजर रखते हैं ब्रोकेज इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल

जैम बोर्ड इट टुकस ऑल दीपल जो इंस्टीट्यूशन जिनको हमें दस साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में बट खैर हम आ गए और कल हिस्ट्री बन गई और मुझे खुशी है कि मैं आ, और मेरी टीम रिप्रजेंटेड दिस फर्स्ट जैम बोर्ड लिस्ट जैम बोर्ड की लिस्टिंग आपकी तरफ हमारी है। आ, आ, आई हम हिस्से में और इसी तरह आपको याद होगा आ, आप तो उस ज़माने में भी हम लोग प्रोग्राम्स किया करते थे कि जो पाकिस्तान की जो पहली बुक बिल्डिंग थी वो जो गनी गैसेस की थी 2009 में वो भी हमने ही की थी सही वो भी आपकी है। एक और मजेदार बात है पाकिस्तान में इसमें हमने हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और एस आई एम श्योर उनको भी क्रेडिट जाता है उन्होंने उसके रूल्स फ्रेम कर दिए और उसकी भी पहली इनशाला हम एक कंपनी जल्दी लेके आ रहे हैं कमिंग टू स्पैक आप फर्स्ट आ, पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस की कहानी है मैं और आप और मेरे बाकी जो कोलीग्स जो पैनल पे बैठे हुए हैं देखिए पाकिस्तान में बैंक्स हर एक से डिपॉजिट लेते हैं लेकिन देते अपनी मर्जी से जी कुछ फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस में अगर हमारे पास इस वक्त लेट्स uh, से 40 मिलियन करंट एंड सेविंग अकाउंट्स हैं तो हम लेने वाले सारे हो गए चालीस और जिनको हम देते हैं वो तकरीबन आठ लाख दस लाख ही हैं है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कंज्यूमर बैंक और ये जो हमारे जो छोटे माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं या जो गाड़ियों की जो कंज्यूमर लैंडिंग वगैरह आती है उसकी वजह से थोड़ा सा हमारे नंबर थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल बनते हैं कि कारोबार कारोबार को को छोटे को पैसा देने में बिल्कुल ही किसी का इंटरेस्ट नहीं है सही है देखिए ना सबसे बड़ा तो सरकार है और आज से नहीं बहुत सालों से ही सबसे बड़ा बॉर्वर तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है अच्छा नीचे अब आई तो फिर ये जो मैं अब आ रहा लॉजिक की तरफ के कैसे और क्यों हम खुश हैं कि जैम बोर्ड आगे चलेगा और उसमें लोग कंपनियां आएंगी दुनिया में इंटरनेशनल जो बैजल से लेके आज तक जो कमर्शियल बैंकिंग के ऊपर आप ये ये दो हैं ये हैं लिस्टेड कंपनीज बड़े ग्रुप्स आप रिस्क वेटेड तो जो, जो है मेरा ना कैपिटल डिप्लॉय होगा इनकी रिकवरी भी अच्छी होगी मैं रिस्क क्यों लू बिल्कुल अच्छा, ये लेते हैं काइबर प्लस वन Half, ये अच्छे आपको में प्लस फाइव पे भी दो दे तो है, दो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट पे तो और अच्छा हो जाएगा इन लोगों के लिए इस तरफ आना लेकिन इनके लिए मैं अब देखता हूँ ये जो हमारे ये जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं इनको हमारी दुनिया कहती है पूरी और मेरा भी इंटरेस्ट यही था व्यू टिल सच टाइम मैंने आज से 2014 में फिर बैठना शुरू किया और देखा बास जगहों पे ये लोग 40 परसेंट पर एनम भी लेते हैं सही बहुत हाई कॉस्ट ऑफ लगता है।, है कि ये तो बिल्कुल ही एक हम इस्तेमाल करते हैं वो ये क्विकली मुझे बताइएगा कि बोर्ड पे तरीके कार क्या है कितनी कंपनी बड़ी हो तो वो अप्लाई कर सकती है क्या बिकॉज दो तीन ही बुनियादी रिक्वायरमेंट है ये जरा नाजरीन को बिकॉज बहुत सारी हजारों कंपनी जिसको है जिसे एक तो जो बड़ा मेन बोर्ड है उस पर मिनिमम दो सौ मिलियन होना चाहिए इस पे पच्चीस मिलियन पच्चीस मिलियन भी आफ्टर दिस इशू

एक और जो अच्छी बात है पाकिस्तान वाले केस में हॉन्गकॉन्ग और इंडिया और बाकी जगहों में ये शायद नहीं है कंडीशन हमारे यहाँ ये अच्छी बात रखी है कि जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जिसके तीन साल के अकाउंट्स नहीं है वो भी आ सकता है ठीक है ठीक है तो बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना है आपने है। एक कंसल्टेंट को हायर करना है ठीक है और आपने फिर सीडीसी के साथ और जो सारे जो छोटे मोटे जो चीजें हैं टिक बॉक्स करने हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बहुत कम रिक्वायरमेंट्स हैं आपको बहुत एक फील्ड मिल रही है टू कम तो अच्छा आप अपने आप को पेश, पेश करें अदालत है। शाइन आउट करें और आप बड़ा अच्छा, बहुत है आप बड़ा बताइए कि ये तो बहुत ही न्यू एवेन्यू खोल दिया है हमने छोटी कंपनीज के लिए कि वो आपको पता है बुनियादी तौर पे करोड़ डेढ़ करोड़ की पेड कैपिटल होती है और थोड़ा सा चलना शुरू हो जाती है तीन साढ़े तीन करोड़ से ऊपर तो रिक्वायरमेंट फॉल करती है सिर्फ ऑडिटेड अकाउंट्स चाहिए होंगे इसको ले रहा है और इससे पहले आपको पता है कि माजी में जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं वो एस की लिप सर्विसिंग करती थी प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हुआ और जो एक्सेस टू फाइनेंस है एस के लिए ये बहुत बड़ा एक वो, उनके लिए एक मुश्किल होती थी और वो एक्सपेंड नहीं कर पाते थे जनरेशन से कारोबार होते थे लेकिन कंपनियां बंद हो जाती थी या फिर वहीं के वहीं रहती थी इस गवर्नमेंट ने आके पहले तो जो एस को जो फाइनेंस कोलेटर फ्री है को दिया उसके बाद ये सबसे बड़ी खबर आज जो हमें पता चल रही है कि ये एक बहुत बड़ा जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा पाकिस्तानी कंपनीज में क्योंकि आपको पता है कि हमारी जितनी जो बिजनेस कंपनी है उसमें 90% परसेंट एस एम और फोर्टी परसेंट जी में उनकी कंट्रीब्यूशन भी है उसके बावजूद उन एस को फाइनेंस नहीं मिलता था बैंक में जाते थे बैंकों की बड़ी बड़ी उनके वो एक प्रोफाइल बना हुआ है कि जी टॉप कंपनीज आनी है रिस्क मिनिमाइज होना है ठीक है लेकिन छोटी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए नहीं मिलता इस वक्त इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है कि इसमें आपके वो छोटे स्टार्टअप्स फिनटेक्स आपके एक्सपोर्टर्स आपकी पैकेजिंग इंडस्ट्री ग्रीन फील्ड कंपनी ये सारी आपके अंदर आएंगे यहाँ तक कि मीडिया हाउसेज बन रहे हैं जो आपके छोटे छोटे लोग हैं वो अपने आप को एक्सपेंड करेंगे तो एक रेवोल्यूशन आएगा कारोबार में जहां हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी में आपको पता है सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये था कि आपके पास सेविंग uh, जीडीपी uh, था और लोएस्ट इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी था अब उसकी वजह से बैंकों के पास जो सबसे बड़ा जैसे फरीद ने कहा, कि सबसे बड़ी, जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी है। भी और भी बैंक भी। वो मार्केट से पैसा उठाएगा मार्केट में पैसा बहुत इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो एवेन्यूज ढूंढते वेरी गुड पॉइंट अरसलान आप ये देख रहे हैं कि जो कंसल्टेंट है दे आर ब्रिंगिंग इशूज टू द मार्केट जो एस एम ईस को रिप्रेजेंट करते हैं या कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं दे आर फीलिंग पॉजिटिव अबाउट दिस चेंज लेकिन इनका कनेक्शन बनाना भी एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में बहुत सी कंपनी है जिनको पता नहीं है कि दे कैन रेस कैपिटल उनके दिमाग में एक ही चीज होता है चाचा पप्पा ताया से पैसा ले लो उसके बाद जाओ तो कहीं फंस जाओ बैंक में और फैंक में भी बड़े इंटरेस्ट रेट दो और वो पूरा बिजनेस साइकिल उनका खराब हो गया और देन वो दे आर दे रिमेन रिलेक्टेड दस एडवाइस मिलती है कि आप अपने अकाउंट में दो बुक्स रखें आप इधर से पैसा पार्क उधर पार्क करें फिर वो दूरी भाग जाते हैं बिकॉज सिस्टम चलो इसको कैसे सॉल्व करें टू ग्रो कैपिटल मार्केट आई थिंक फर्स्टली ये अगर इनिशिएटिव को हम देखें ये एम्ड है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नंबर वन नंबर टू और शरात जैसे आ जाती थी वो ये होती थी कि कंपनी शुड बी प्रॉफिटेबल मतलब दो चार साल की आपकी प्रॉफिटेबल हिस्ट्री हो ताकि लोग उसको समझें और फिर इन्वेस्ट करें देखिए ये जो बोर्ड है उसमें एक स्पेशलिटी है कि ये एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए मतलब जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स है जिसकी समझने पचास लाख रुपए की नेटवर्थ है डिक्लेयर्ड डिक्लेयर है टू द रेगुलेशन टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज नंबर वन वहां से फिर एलिजिबिलिटी वाला आपका फैक्टर आ जाता है सेकेंडली आपने ये सवाल पूछा कि इसको ब्रिज कैसे किया जाए देखिए अगर मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया है तो हम लोग अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स या हर जगह एक पिच बुक लेके घूम रहे होते हैं कि हमारे आइडियाज़ को फंड करें क्योंकि बैंक्स इसलिए लेंड नहीं करते और या इन्वेस्ट नहीं करते उन आइडियाज़ में क्योंकि आपके पास कोई कोलेटुरल नहीं होता कोई एसेट बैक नहीं होता ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया होता है और अगर आप जैसे आजकल वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी फर्म के पास जाएँ तो वो आपसे एक एक्जॉबिटन रिटर्न मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न और बहुत सस्ते रेट पे लेना चाहते तो हैं इस बोर्ड के थ्रू इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एस एक्स के अंदर लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप अपने आइडियाज लिखें आप अपने आइडियाज जाए और आवाम को प्रेजेंट करें आवाम में वो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करें सिर्फ आप पब्लिक से पैसे नहीं ले सकते मासेस से ठीक है कोई इंसान है जिसकी सेविंग दो चार लाख तो रुपए वो है। नहीं कर सकते आप इन्वेस्टर्स के पास समझने आपको एक एक लोगों के पास जाने से पहले आप सबके पास जाना पड़ेगा आप वो प्रेजेंट करेंगे इसका फायदा क्या है फायदा इसका बाकर ये है कि आपके आइडियाज जो है वो फ्लरिश होंगे जिसके पास भी आइडिया होगा कि चार पांच करोड़ रुपए की कंपनी बना सकता हूँ मैं मैं जाऊँगा लिस्टिंग में इसमें थोड़ा नाजरीन को टेक्निकलिटीज हटाते हुए बताना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपकी कंपनी बुक बिल्डिंग के प्रोसेस से गुजरेगी तो उसकी वैल्यूएशन कम से कम पचास करोड़ होनी चाहिए सही है। अगर उससे कम है तो ये फिक्स प्राइस पे आप जो है ना फ्लोट करेंगे कि मैं कह रहा हूं, मेरी कंपनी की वैल्यू जो है मेरे है मेरे ख्याल से सात करोड़ रुपए छह करोड़ रुपए जैसे साहब ने कहा ढाई करोड़ रुपए चाहे वो चार करोड़ रुपए आप कह रहे हैं मैं एक मार्ट लगा रहा हूँ या हॉस्पिटल लगा रहा हूँ स्कूल लगा रहा हूँ आप जाके वो प्रेजेंट करेंगे अपना केस आप कह रहे हैं मुझे चार करोड़ रुपए की वैल्यूशन है कौन आ रहा है मुझे फिलकर इससे फायदा ये होता है कि इन्वेस्टर्स को भी हमारे स्टॉक्स में चाहिए आइडियाज डिफरेंट आइडियाज डिफरेंट इंडस्ट्रीज और जो हमारे यंग एवेन्यू मिल गया इससे बडिंग शुरू हो जाती है मेरे पूरी उम्मीद है कि दो तीन साल में जैसे और लिस्टिंग होगी ट्रैक रिकॉर्ड होगा तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये जो गैप है, है ये बैंक के पास जाना और लोगों से लेना क्योंकि ये अगर किसी प्राइवेट दोस्तों यारों से आप लेते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती ज्यादातर कैश ट्रांजेक्शन आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया पे हमें करना ये है कि स्मेडा पाशा जो सॉफ्टवेयर हाउस की एसोसिएशन स्मॉल एंड मीडियम जो कंपनीज की एसोसिएशन है और तमाम एफ पी सी सी आए के सी सी आए और दूसरे इदारे इनमें मुतारफ कराना उसको पेश करना और कंपनीज की रेडिनेस जांचना ये बहुत जरूरी है कि अगर आपकी कंपनी ऐसा भी है आप अगले दो साल में प्लान कर रहे हैं लिस्ट करने का तो आपको आज क्या करना चाहिए तीन महीने बाद क्या करना चाहिए छह महीने बाद तो एक फनल बनाना बहुत जरूरी है आई एम श्योर कि इससे मोर देन लाइक जितनी मेन बोर्ड पे कंपनी है इससे दुगनी तो आप छोटे बोर्ड पे ला सकते हैं बिकॉज देर इज अज पोटेंशियल मार्केट वॉड यू थिंक देखिए क्वांटिटी तो जो अवेलेबल है जो इसमें आ सकती है वो तो इट्स बहुत लेकिन जो अरसलान ने बात की इसको मैं आगे बढ़ाऊं कि इसको मैं कि आपने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया एज अ सोल प्रोट्रैक्टर आपका काम चल गया अच्छा तो फिर आपने पैसा चाहिए आपके पास मीनस नहीं है आपने अपने दोस्तों यारों से कहा वो पार्टनरशिप हम बनाई काम और अच्छा चला तो आप बैंक ने अप्रोच की बैंकर ने कहा भाई आप लिमिटेड कंपनी बना के लाएं फिर मैं आपको देखूंगा फिर आप लिमिटेड कंपनी बनाई कारोबार और अच्छा चल रहा है आपको चाहिए कि मुझे पैसा और चाहिए लेकिन पार्टनरशिप में यार वो जो मेरा पार्टनर है ना जो पैसा देता है वो मुझे मेरे कारोबार में बहुत डिस्टर्ब करता है तो स्टॉक एक्सचेंज आपको पैसिव इन्वेस्टर्स दे देता है लॉन्ग टर्म आपको पैसा मिल गया आपने अच्छा काम किया आपकी वैल्यूशन बढ़ती गई अच्छी बात यह है कि यहां से और अच्छा जा रहे हैं तो आप माइग्रेट करेंगे फ्रॉम दिस जैम बोर्ड टू द मेन बोर्ड आई थिंक ये बहुत ही इंसाइटफुल पॉइंट हाईलाइट की नाजी टेक अ शॉर्ट ब्रेक विल बी राइट बैक शाहरा है ताकत की ये शाहरा है इकतदार की पार्लियामान की अदलो इंसाफ की यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरी। अब होगी हर फैसले पर नजर हर जोड़ तोड़ पर बात हर कानून साजी पर बहस मुस्तकबिल पर सवाल और गैर जानेदारा मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात स्ट्रेट फ्रॉम शाहरा गुफ्तु के आदाब को टीवी टॉक शोज और मिड ब्रेक्स बेहतर या बदतर कर रहे हैं देखकर बताइए आज के हालात हाजरा पर माजी के कल और मुस्तबिल का कल का उतना ही या ज्यादा असर होता है आप जांच कर बताइए होगा, गुफ्तु होगी शोर नहीं हंगामा नहीं ब्लेम गेम नहीं बातचीत जिम्मेदारी के साथ देखिए जावेद जब्बार और घुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात दस बजकर पाँच मिनट सिर्फ पीटीवी न्यूज पर वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन वी वर डिस्कसिंग वो जैम बोर्ड के ऊपर कंपनी किस तरीके से लिस्ट करा सकती हैं क्यों इतना आसान है कि अगर आपकी कंपनी ग्रो हो रही है आपको पैसा रेस करना है तो बैंक पर जाने के बजाय आप स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंसल्टेंट के थ्रू लिस्टिंग के लिए अप्लाई करें और क्रेडिटेड इन्वेस्टर्स उसमें सरमाएकारी के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं और अपनी कैपिटल की फाइनेंसिंग की नीड्स को आप स्टॉक मार्केट के थ्रू पूरा कर सकते हैं नाउ पॉइंट दैट यू टू कि क्यों इस्लामिक परस्पेक्टिव से ये बेहतर है लिस्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए आपको ये तो पता है कि पाकिस्तान के जितने भी बिजनेस हैं ज्यादातर या तो फैमिली ओन बिजनेस होते हैं और वो दो तीन जनरेशन चलते हैं कहीं आके जाके खत्म भी हो जाती हैं और सबसे बड़ा दूसरा हमारे यहाँ दिखाई देता है कि इन्वेस्टर्स और कंपनीज जो है वो चाहते हैं कि सूदी काम में ना आए रिलीजियस पॉइंट इसका जो है ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है वो उसे अवॉइड करते हैं और वो रीज़न होती है कि वो कंपनी में पोटेंशियल होता है एक्सपेंड नहीं कर पाती और फिर ये जब आपको एक ऑप्शन मिलेगा छोटी कंपनीज़ को जिनके अंदर आइडिया जिनके पास है नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ग्रोथ हो रही है एक्सपोर्ट्स में या दूसरे दूसरे सेक्टर्स में कर रहे हैं जब उनको फाइनेंसिंग मिलेगी वो भी इंटरेस्ट फ्री सूद फ्री फाइनेंसिंग होती है मार्केट का पैसा आता है एक तरह से एक सब लोग मिलके एक पैसा फाइनेंस कर रहे थे अभी आपका जो मॉडल है वो अगर चार पांच लोग फैमिली के रिश्तेदार मिलकर स्प्लिट हो जाता है में प्रॉब्लम होती है तो बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं करता ये चीज पाकिस्तान में एक नई तब्दीली लेकर आएगी कि आपके पास जो है डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी यहाँ पर हमारे पास ये भी ना कच्चा पक्का हिसाब पार्टनर के लिए अलग हिसाब अपने लिए अलग बीवी के लिए अलग वो वाला भी खत्म होगा आप अब डॉक्यूमेंटेड हो जाओगे और साथ ही आप पे ग्रोथ आती जाएगी आपकी

तो हम लोग वो वो इन्वेस्टर्स देखते हैं जो कभी स्टॉक मार्केट में नहीं आए वो आके इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज उनको एक डाइवर्सिटी अच्छी लगती है एक न्यू बिजनेस आइडिया मिलता है सिमिलरली अगर ये जेम बोर्ड में आई पर्सनली बिलीव अगर हंड्रेड कंपनीज लिस्ट होती हैं तो वो अपने साथ साथ सौ सौ इन्वेस्टर्स अलग लेके आ सकती है एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स और ये पब्लिक नहीं होंगे ये तकरीबन आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होंगे तो आपका बैंड वैसे ही जो है बड़ा हो जाएगा इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि साइड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो लोगों का ट्रस्ट हो एंड आई थिंक जेम बोर्ड के लिए उसको एक प्रॉपर ट्रस्ट देने के लिए कुछ चीज़ें और भी हैं मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए इन नेक्स्ट फेज नंबर वन इनके जो टैक्स इनकम टैक्स या कॉपरेट टैक्स होता है दैट शुड बी कंसिडरबली लो ताकि लोगों को एक इंटरेस्ट आए फॉर्मलाइजेशन होने में सेकेंडली जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स होते हैं जो आवाम इन्वेस्ट करेगी उनकी एक बोर्ड रिप्रेजेंटेशन हो उनकी कॉर्परेट गवर्नेंस आपकी ज़्यादा हो उसमें जाके लोग प्रोटेक्टेड फील करें लास्टली आई ऑल्सो थिंक इट्स इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने वैसे ही इसमें आई थिंक पी एस एक्स की लिस्टिंग फीस हार्डली फिफ्टी थाउजेंड रुपीज और इतनी ज्यादा कम्प्लाइंस रिक्वायरमेंट नॉर्मलाइज है सिर्फ प्रोस्पेक्ट आपको नहीं चाहिए आई एम चाहिए लेकिन इसके जो क्वार्टरली एक्सपेंडिचर्स है वो गवर्नमेंट थोड़े बेयर करें थोड़े सब्सिडाइज करें ताकि उसको एक थ्रस्ट मिले तब जाके माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं वो आपके फिर को आएंगे और अच्छे बहुत स्ट्रटेजिकली मेरे सवाल को स्किप कर दिया मैं सब ये सब चीजें तो समझ में आती हैं बट जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर बेस नहीं बढ़ पा रहा बहुत सारे इन्वेस्टर खाइफ में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी है क्या हम किसी स्ट्रक्चरल इश्यूज का शिकार हैं जिसको सॉल्व करना है क्या अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए बिकॉज ये सब चीजें हम कर लें फॉर एग्जांपल आपको मैं 100 जेम बोर्ड की लिस्टिंग आपको करा देते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ इस पूल के साथ उन का क्या हाल होगा अगले तीन साल में ये भी आपको पता है तो वो जो स्ट्रक्चर पूल है उसमें क्या तब्दीली लानी चाहिए इन लोगों का बिहेवियर में क्या तब्दीली लानी चाहिए क्योंकि लोग लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते शॉर्ट टर्म में होता है लॉस फिर दस जगह बातें करते दिस इज समथिंग थोड़ा बताइए इसमें क्यों इसको इम्प्रूव करें देखिए जो दुनिया में कैपिटल मार्केट में स्टॉक मार्केट थोड़ा साइज में और वॉल्यूम में छोटी होती है जो बाकी आपके एसेट क्लासेज हैं जिसमें फिक्सड इनकम हो गया बाकी चीज़ें हो गई ट्रेजरी बिल्स हो गया और सारी वो बहुत बड़ा पोर्शन होता है, है। हमारे यहाँ 90% ऑफ द पीपल फील के कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ही चीज़ है मार्केट एक बहुत बड़ी चीज है स्टॉक उसका नहीं। एक नहीं। है नहीं। तो आपका जो सवाल है देखिए इंटरेस्ट रेट को बेस बना के इन्वेस्टर ने फैसला करना है कि मैंने कब रिस्की एसेट में जाना है कब मैंने थोड़ा जरा थोड़ा सुकून से सेफ खेलना है तो हमारे यहाँ ऑल दो हमारे यो सब मेरे और आप जैसे लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज पे ये ट्रेजरी बिल की इन्वेस्टमेंट और पी की करवा दी थी छह साल से लेकिन उसके बाद मार्केट भी अच्छी थी और हालात भी आज भी अगर मेरे पास जो क्लाइंट है वो उसको अगर लगे कि थोड़े आगे हैंडविड है और मैं इक्विटी से निकल के ट्रेजरी बिल में जाऊँ किसी और एसेट क्लासेस में चला जाऊँ और तो वो पैसा मेरे पास ही स्टॉक्स में रहेगा स्टॉक्स से मुराद है स्टॉक मार्केट नहीं मतलब कैपिटल मार्केट में ठीक है और अगर उसको लगे कि अब मार्केट अच्छा टाइम आ गया जिस तरह आजकल देखें ना अब हम सबसे बड़ा एक इशू हो रहा था हमारा जब हम फ्रंटियर मार्केट में जा रहे थे तो बहुत से लोगों ने कहा और शायद सही था उनका सोच कि बहुत सारी सेलिंग आएगी गोरे की तो अगर इस पीरियड में जो लोग चले गए यहाँ से निकाल के और प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट कर, कर दिए तो दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम बैक टू मी एज अ ब्रोकरेज हाउस लेकिन अगर यही ऑप्शन होती उनके पास मेरे पास कि मैं एक चीज दुकान मेरी होती इक्विटी की एक फिक्स्ड इनकम की एक रियल स्टेट की एक रीट्स की तो वो बूखे मेरे पास होता तो क्लाइंट मेरे पास ही रहता तो वो जो नंबर्स है अब आप ये देखें कि आपके पास डाटा हो या शायद कोई ऐसा बनाता नहीं है कि अगर हम देखें इक्विटी जो रियल स्टेट के इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में कितने हैं तो वो आई एम श्योर जो तादाद हमारी है हमें वैसे सात लाख कहना चाहिए ढाई तीन लाख तो इक्विटी वाले हैं और है। जो म्यूचुअल फंड वाले लोग हैं वो भी ढाई तीन लाख ही बन जाते हैं तो, है। तो मेरा ये ख्याल है मैं आपको एक बता सात लाख हम कह भी दें चले तो सिर्फ अगर आप इंडिया की इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर लें और पॉपुलेशन से नॉर्मलाइज कर लें फॉर एग्जांपल आपकी पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन का 16 फीसद आप नॉर्मलाइज बेसिस में उनकी बेसिस देखें और आ, तो आपको सात मिलियन पे होना चाहिए था अगर आप नॉर्मलाइज फॉर तो पॉपुलेशन तो भी देखें पॉइंट ये यहाँ पे क्रिप्टो में इतने इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में जो कि एक रियल एसेट है पीछे उसमें क्या ऑन बोर्डिंग में इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है क्या मजीद इकदाम उठाए बिकॉज यू वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकर ये इतना जबरदस्त सवाल है और मैं और आप और सब लोग ये नहीं समझते कि हमारे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं शाह भाई आप अगर इन्वेस्ट करें इनटू क्रिप्टो आप करें इनटू करेंसीज या आप ये जो कमोडिटीज़ वाली कमोडिटी में सिर्फ थोड़ा सा फ़ायदा है अगर वो डिलीवरेबल हो और हमारा जो टेक्सटाइल वाला या कोई ऐसा बंदा जो अपनी प्राइसिंग देने के लिए वो अपने आप को हैज कर ले हैजिंग वाला काम हमारे यहाँ वन है बाकी सारे तो कैश डिलीवरेबल अब आप आ जाए कि आपके अंदर दर्द मल दिल हो और आप सपोर्ट कर रहे हो इकोनॉमी को तो आपकी जो लिस्टेड कंपनी हैं वो आप देखें कि जो एक कंपनी बनती है वो आपको कोई सर्विस देती है या प्रोडक्ट देती है गवर्नमेंट को वो टैक्सेस देती है लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है तो हमारा जो अभी व्यू है ना अंदर से एज अ ड्राइंग रूम टॉक भी आप करें तो लोगों को एसेट क्लासेस में जो एनसिलरी बेनिफिट्स स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर में हैं वो लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते कि भाई मैं ये काम करूँगा तो ये मेरी बात जो है इससे बहुत बड़ा फायदा पूरे इकॉनॉमी का बिल चलेगा जिस तरह मैंने तीन साल और बताया गवर्नमेंट को टैक्सेस मिल, हम, हम, मिल गए सोसाइटी को प्रोडक्ट सर्विस मिल गई तो अब हम लोग ये रियलाइज नहीं करते और हम लोग ठीक तो है लेकिन ये दर्दमंद दिल जब इन्वेस्टर एलोकेट कर रहा होता है पैसा उस वक्त नहीं सोचता ये वो तो देखता तो 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 है कि रिटर्न कहाँ ईजी ऑन बोर्डिंग का है फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूँ कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाने में कितना टाइम लगता है ऑन एवरेज ये सब चीजें एन सी सी की लाने के बावजूद पूछ रहा हूं मैं

और पचास चीजें बनी थी हमारे यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट अभी भी बहुत बहुत ज्यादा है एक जब भी स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आता है तो सबसे पहले उसका यह है कि बैंक अकाउंट होना लाजमी है।, है तो जब बैंक अकाउंट खुलता है उसने सारी कर ली होती है नो तो जेलिंग होनी चाहिए अच्छा, इस पे काम हो रहा था एस में लेकिन वो द स्पीड हैज टू इंक्रीज मेरा ख्याल है कि ने वो हमें थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को तो ज्यादा फोर्सफुली पुश करने के लिए हमने कहा कि हम ये भी करके देंगे आपको oh. शायद इससे माइलेज मिली हो क्या हो लेकिन अभी भी then, कि अगर जितने बैंक अकाउंट होल्डर्स है वो ब्रोकेज हाउस में जाएं वो अपना एक नंबर बताएं और अकाउंट खुल जाए बेसिक डिटेल्स और बाकी डिटेल्स वहीं से फैच कर लें इज दैट वेंट्रलाइज के टेक्नोलॉजिकली ये डूएबल भी है और इतना मुश्किल नहीं है बट प्रोसेस के अंदर हम बहुत टाइम लगा देते हैं बकर यू आर राइट रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ऑन बोर्डिंग में काफी काम हुआ है और थिंग्स आर गेटिंग स्मूदर बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो हमने बात की क्रिप्टो की इट्स नॉट अ रेगुलेटेड एसेट क्लास एज ऑफ टुडे कि आज आज के हिसाब से इसीलिए जब वो रेगुलेटेड क्लास बन जाएगी तो उसमें भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायरमेंट आ जाएगी जैसे हर जगह होती है सेकेंडली आई थिंक जो रियल इशू विद एक्विटी मार्केट्स इज नॉट के हम लोग कितनी जल्दी से इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं इसके जो इन्वेस्टर वो खरीद क्या रहा है कौन सा एसेट हो रहा है माय पर्सनल ओपिनियन जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे आई वाज आंसरिंग योर क्वेश्चन उसमें यह है कि जब तक आपके बूम एंड बस्ट रहेगा फरीद साहब भी बोल रहे थे अगर आपने इन्वेस्टर्स को रिस्क फ्री तेरह परसेंट साढ़े बारह परसेंट चौदह परसेंट दिला दिया तो वो बार बार आपके एक्विटी मार्केट्स में नहीं आएगा बिकॉज यू इज वेरी कंफर्टेबल दैट तो हमें वो जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है जिसको असाइड करके हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके ऊपर बड़ा फोकस करना चाहिए और हम लोग इंडिया की एग्जाम्पल दे रहे थे हाँ। तो पाकिस्तान को भी हमें मुझे लगता हाँ। है कि दो तीन साल की मिनिमम स्टेबिलिटी चाहिए पार्टिसिपेशन पैंतालीस फीसद है इंडिया की मार्केट में अब रिटेल बैठा होता है स्टॉक्स लेके कोई भी मुश्किल आती है रिटेल जब मार्केट में शेयर्स आते ही नहीं है तो प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरती नहीं है एंड देन इंस्टीट्यूशंस भी ट्रस्ट नंबर वन लोग ट्रस्ट करते हैं कि पैसा बचा की रहे हैं तो दिल्ण दिल्ण है स्टॉक गिरे तो इन्वेस्ट करो सेकंडली लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है वहां पर मिडिल क्लास आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब चूंकि आपने इकॉनमी की बात की इस्लाम साहब बैठे हुए इकॉनॉमी की क्या सूरत है हाल थोड़ा बताई गए बिकॉज दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है गुजशत एक दो हफ्ते के अंदर एक तो रिसेंटली ऑयल प्राइसेस गिरी हैं बहुत तेजी से कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से हम क्या इसका बेनिफिट उठा सकते हैं ओवरऑल साइड साइड पे पे और इकोनॉमिक हाउ हाउ आर द कोपिंग अप देखो सबसे पहले तो अभी हम जैसे बात करते यहाँ पर दिन बहुत ज्यादा लगते हैं अकाउंट mm -hmm. खुलने में तीन मिनट में अगर आपका तीन सेकंड में अगर अकाउंट खुल जाता है क्रिप्टो का तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को जो कहना चाहिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसके बाद बहुत ज्यादा बात हुई और ये जो रिपुटेशन ऑफ वर्क है ना बात जगह क्योंकि तो अगर आपके पास सी सी कार्ड है

अभी ऑयल की प्राइस की वजह से बात की देखिए वो तो एक ऐसा है कि कोविड का एक वेरिएंट दोबारा आ गया उसकी वजह से प्राइस कम हुई और तकरीबन तो आज कोई ग्यारह साढ़े ग्यारह परसेंट के रिप्रेंड कम हो चुका है लेकिन हमें उसका फ़ायदा पाकिस्तान को कैसे होगा आप बहुत से लोग ये सोच रहे हैं सवाल कर रहे हैं कि अब पेट्रोल सस्ता होना चाहिए अब जो नई प्राइसेस आएंगी उसमें सस्ता हो तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के पास वो इतनी गुंजाइश ही नहीं।, नहीं है कि वो आपको वो रिलीफ दे सके क्योंकि तो सबसे पहली बात क्योंकि आपकी जो पेट्रोल की नहीं। नहीं। आपकी जो बाई करते हो क्रूड या जितना भी आप रिफाइंड भी लेकर आ रहे हो आपकी गवर्नमेंट जो है वो डेफल पेमेंट लेती है हमारे यहाँ स्पॉट बाइंग नहीं है नहाज होता है हम डेफल पेमेंट में लेते हैं तो वो वो हमारे कम होने के चांसेस नहीं है साथ ही आप देखो कि आपका जो करेंसी के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा आ रहा है कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है और उसके बाद जो आपने पीडीएल अब देना है चार रुपए का हर महीने आपको लगाना है तो अगले छह साल में वो चलेगा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी फिर रिसेंटली जो सबसे ज्यादा हुआ कि डीलर्स ने जो तीन रुपए इकानवे पैसे लीटर ले रहे थे मार्जिन उन्होंने अपना और नाइनटी नाइन पैसा बढ़वा लिया तो ये सारी चीजें ऐसी आई कि अब हुकूमत के पास रूम नहीं बचता कि आपको पास ऑन करे अगर हुकूमत इस प्राइस को मेंटेन करती है अभी फिलहाल इस दफा तो ये बहुत बड़ा आपको रिलीफ होगा क्योंकि आप अगर हर दफा प्राइस सस्ती देखते जाओ तो हम उसको बर्न करते जा रहे हैं देखिए है। बीच में आपने देखा था कि फ्यूल की कंजम्पशन कितनी बड़ी कि लोगों ने बाय रोड यहां से कराची से जाके सवाद तक और सारे नॉर्दर्न एरियाज में पहुंचे वो एक आपने एंजॉय तो किया लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ आपका जो है बिल इंपोर्ट का बढ़ता चला गया एक महंगा पेट्रोल हो रहा था दूसरे आपके ऊपर जो इंपोर्ट का जो बिल था उसको गवर्नमेंट को एक और एक मुसीबत आ गई कि आप एक बर्डन जो है सबसे ज्यादा जो है वो आपका ऑयल का ही पेट्रोल का बिल बढ़ा है तो ये एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आपको एक सर्टन लेवल तक पास ऑन करें अभी हुकूमत को पास ऑन करने की जरूरत नहीं है अगर प्लान भी कर रहे हैं कोई सियासी पॉलिटिकल गेट के लिए तो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि माजी में जो गलती की थी जब हम 45 से नीचे गए और हमने सारा पोसन किया वो आज आपको तकलीफ दिया जब भी आपकी आगे ये प्राइस जो कम हुई है ये टेम्प्रेरी है मैं देख रहा हूँ कि आगे फिर

मैं इनकी बात से समझ के आगे चलता हूँ देखिए ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हुई है जो चार रुपए वाली बात है हमारे यहाँ ना एक जो बुरी खबर आती है उसको एक दफ़ा हम उसके ऊपर एक अपना रिएक्शन शो करते हैं और फिर शो करते रहते हैं अच्छी ख़बर आपको पहले बता देंगे होने वाला है तो कोई रिएक्ट नहीं करता जब तक वो हो नहीं जाती ये जो चार रुपये वाली बात अगर वो ना बताते और ख़ुद अगली दफ़ा में एडजस्ट करते इसी तरह तो थोड़ा आसानी रहती अब लोगों को अच्छा हो सकता है कि जिस तरह कल दस परसेंट गिरा ग्यारह परसेंट क्रोड की प्राइसेस एक दो दफ़ा और गिर जाएँ तो ये आप चार रुपये लगा के भी रेट सस्ता हो लेकिन आपने क्योंकि पहले बता दिया है कि जी चार रुपये हमें बढ़ाना है तो ये कह के आपने पहले ही बॉम्ब बॉम्बेल गिरा दिया इसी तरह मॉनिटरी पॉलिसी में एक 150 बेसिस पॉइंट का वो हम गुजारा कर लेते हैं उससे भी क्योंकि ये तो नहीं हुआ था कि जब हम बहुत ही ज़्यादा ईजी या नॉन हॉकिश कर दी थी तो हमारी मार्केट कोई चांद पे तो पहुंच नहीं गई थी तो इंडिया तो हमसे किसानों ने स्ट्राइकें की जो मर्जी किया लेकिन वो कहां से कहां है और हम तो दिस वाज नॉट द ओनली पॉइंट यस इट इज इंपॉर्टेंट लेकिन अब तो उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी अब लोगों ने कहा यार डेढ़ सौ ये हो गया तो ये जो चौदह दिसंबर को हो रही है मॉडल पॉलिसी उसमें भी कुछ हो जाएगा क्विक क्वेश्चन ये ये ना करते तो आसानी रहती जो दोबारा फ्रीक्वेंसी चेंज की है जस्ट जस्ट टू अंडरस्टैंड लॉजिकली एज एन इकोनॉमिस्ट

Perhaps, perhaps because of the IMF condition हमें जो है ना नवंबर में भी और दिसंबर में भी हाइक करनी होगी so, yeah. अगर वो वन गो में पॉसिबली टू हंड्रेड बिप्स बढ़ाते दैट वुड बिन

हद तक आप अचीव करते हो लेकिन जो ग्रोथ रुक जाती है पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में अगर ग्रोथ ज्यादा होगी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अभी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी जो सबसे बड़ा इस वक्त भी मिसिंग चीज है कि जिसपे हम जितने भी कह दें कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है वो हमारी जो आज की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से नहीं बढ़ी हमें एटलीस्ट इस वक्त जो है चालीस पचास बिलियन डॉलर पे होना चाहिए था फोर्टी हमने डिवेल्यू किया उसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी मीनस की आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी हुई है गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम करने चाहिए प्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा सरप्लस ज्यादा से ज्यादा हो कि जो एक ये रिच मैन क्लब वाली बात है एक है ओल्ड क्लब वो जो इकोनॉमिक वाले हैं और जिन्होंने सारी बरात लेने के बाद कहना है कि हम आपको एक्सपोर्ट डबल कर देंगे ये कर देंगे आप हमें सब्सिडाइज लोन दो ये दो वो दो और एंड में जब वो टाइम आता है रिजल्ट तो एक, एक सेक्टर ने तो कंस्ट्रक्शन ही बंद कर दी उसमें बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल जैम बोर्ड के अफ्तार से पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है अब हमें करना क्या है यहाँ पे जैम बोर्ड को प्रॉपर तौर पे प्रमोट करना खास तौर पे जितनी एसोसिएशन हैं जितनी चैम्बर्स हैं जितने इदारे हैं जहाँ पे दस दस सौ सौ हज़ार हज़ार कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उनमें ये जैम बोर्ड को मुतारफ़ कराना नंबर वन सेकेंडली जो पूल है कैपिटल मार्केट का उसमें इन्वेस्टर्स का बढ़ना बहुत ज़रूरी है जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे जब तक आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब तक सर्वेलेंस जब तक कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग में जो बेकायदगियाँ हैं उसको ख़त्म नहीं करेंगे जब तक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा अगर मैं एज अ इन्वेस्टर बैठा हूँ और कंपनी का मालिक मेरे अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है सामने तो ये इट्स नॉट अ फेयर गेम इसको इम्प्रूव करना जरूरी होगा एक तरफ ट्रांसपेरेंसी आएगी कैपिटल मार्केट्स में और दूसरी जाने से जैसे ने बताया कि क्या जितने जितने आईपीओ जाते चले जाएंगे उतने इन्वेस्टर्स आपकी कैपिटल मार्केट्स में ग्रेजुअली बढ़ते चले जाएंगे और लीकेज कम हो जाएगी सो अगेन एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन पाकिस्तान खासतौर पर कैपिटल मार्केट की थी थी में। वी होप के जैम बोर्ड बिकम सक्सेसफुल इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम को खत्म हुआ चाहता है अपने मेज़बान जाफरी को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज